इसके मुख्य सचेतक व आदर्श नगर विधानसभा से विधायक रफीक खान पर गुरुवार दोपहर एक व्यक्ति द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जनसुनवाई के बाद विधायक रफीक खान अपने बनी पार्क स्थित अपने आवास से निकलकर विधानसभा जा रहे थे। गाड़ी में बैठते समय भागते हुए आए व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट कर दी। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसको पकड़कर सदर थाना पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने विधायक पर हमला करने वाले आरोपी व्यक्ति को पकड़कर थाने ले गई, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि सदर थाना इलाके में स्थित बनी पार्क में कांग्रेस विधायक रफीक खान के आवास है और जहां कांग्रेस विधायक रफीक खान अपने घर पर जनसुनवाई कर रहे थे, इस दौरान आरोपित युवक वहां मौजूद था। जैसे ही विधायक रफीक खान अपने घर से विधानसभा जाने के लिए निकल रहे थे, खड़ी गाड़ी में बैठते समय अचानक भागते हुए आया और व्यक्ति ने विधायक पर हमला कर दिया। कांग्रेस विधायक रफीक खान 57 साल के हैं और झुंझुनू जिले से ताल्लुक रखते हैं। वह एक बड़े कारोबारी भी हैं और 2018 में पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने बीजेपी के अशोक परनामी को हराया था। इस बार वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी के रवि नैयर को खान ने विधानसभा चुनाव में फिर शिकस्त दी थी। मीटिंग में 11 बजे मीटिंग में भाग लेना था और मैं घर में नीचे आके कार्यकर्ताओं से जन सुनवाई के दौरान लोगों से मिला और मिलकर के जन सुनवाई करके मैं बाहर आया गेट के और गाड़ी में बैठने लगा तो कुछ कार्यकर्ता और कुछ साथी आ गए। कुछ और विशेष कोई किसी को फोन कराना चाह रहे थे तो मैंने उनके स्लिप्स और उनके पेपर ले लिए कि मैं असेंबली से बैठ के कर दूंगा। इसी दरमियान एक आदमी आया और बिल्कुल आगे बढ़ करके और मेरे गले में हाथ डाला तो मैंने सोचा शायद कोई वैसे बात कर रहा हो। उसने पहले तो मेरे को गर्दन दबाने की कोशिश करी और जोर से मेरी छाती पे हाथ मारा और यहाँ से उसने जब मैंने उसको गर्दन पे उसने हाथ डाला तो मेरे यहाँ उसकी ये फिंगर्स की निशान है यहाँ करके और उसने फिर मैंने उसके हाथ पकड़ लिए दोनों और दोनों हाथ पकड़ के उसको दूर की तो उसने मेरी शर्ट पकड़ ली जैसे और कार्यकर्ता उसको दूर करते रहे लेकिन बहुत सारे लोग थे यहाँ घर में और सबने मिलकर के उसको छुड़वाया और काफी उससे उसने मुस्तैदी से मेरी शर्ट को पकड़े रखा फिर जबरदस्ती उसको हाथ अलग करके हमने छुड़वाया। तो इंटेंशन अभी पता नहीं लग रहे हैं, पुलिस को समझवा दिया है, पुलिस जांच कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी साजिश के तहत आया और आकर के मारने की कोशिश की और कुछ लोग और साथ थे ऐसा अब बातों से लग रहा है क्योंकि कुछ वीडियो अलग अलग एंगल से उसके आने से और उस इंसिडेंट तक के बने हैं और बनकर के मीडिया में फ्लोट हुए हैं। तो किस साजिश के तहत आया है और क्या मंशा रही, किस वजह से वीडियो बनाए हैं और खाली उसी बात को एंगल को देख करके वीडियो बनाए हैं और क्यों मुझे मारने की कोशिश की, इस सब बातों पे मैं अभी रिपोर्ट बना करके असेंबली से अभी आया हूँ और थोड़ा सा आज मेरे पारिवारिक कोई हॉस्पिटल में है परिवार के सदस्य तो मैं वहाँ जाऊंगा। उसके बाद प्राण घातकी की मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिसने गर्दन दबाने की कोशिश की तो गर्दन दबाने की कोशिश जब अलग अलग वीडियो दिख रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा और अगर मेरी जगह कोई कमजोर आदमी होता तो शायद ये दबा ही देता। देखिए ऐसा है कि मेरे को अभी तक इस आदमी के बारे में कुछ नहीं मालूम है और जिस तरह की घटना की और जिस तरीके से उसने हमला किया वो एक क्रिमिनल माइंड का आदमी कर सकता है। तो अभी जब तक पुलिस जांच नहीं कर ले और मेरे को अभी उसके पूरे प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में भी नहीं मालूम कुछ, तो पुलिस एक बार जांच कर ले तो सारी बातें सामने आएंगी।